दिल्ली में जल संकट का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर मैं बैठ जाऊंगी। हम जानते हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत किस कदर है, टैंकरों में लंबी लंबी लाइन लग रही है और 3 से 4 दिनों में टैंकर आ रहा है। उधर हरियाणा और हिमाचल से दिल्ली को जो पानी मिलना था वो भी अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यहाँ पर आतिशी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 100 MGD पानी नहीं मिला तो मुझे पानी के लिए सत्याग्रह जो है वो शुरू करना होगा। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। तो सुना आपने यहाँ पर जल मंत्री आतिशी को जो यहाँ पर कह रही हैं कि अगर 21 तारीख तक पानी नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर यहाँ पर बैठ जाएंगे। उनका कहना है कि सत्याग्रह यहाँ पर अब मुझे पानी के लिए शुरू करना होगा। साथ ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को ये भी कहा है कि किसी भी तरह से वो दिल्ली को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से दिलवाएं या कहीं और से, लेकिन यहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए।